तो गाइस बूम्स, फनेटिक, ब्रॉलर्स, जो भी टीम सोल के सामने आ रहा है, दे आर लिटरली गोइंग डाउन। सो टीम सोल इज ऑन अनदर फॉर्म राइट नाउ। हिल से वहां पे फनेटिक के प्लेयर्स उनको सप्रेस कर रहे थे, एंड इस फाइट के सिचुएशन को देख के फनेटिक के प्लेयर्स यहाँ पे स्लैश करते हुए और यहाँ पे रौनक अंदर आते हुए, क्या वो टीम मेगा के प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म कर पाएंगे? और मेगा के एक और प्लेयर यहाँ पे रौनक यहाँ पे नॉकआउट होते हुए, परितोष एंड उनके जो रिमेनिंग प्लेयर्स कहाँ रह गए हैं भाई, थोड़ा सा जल्दी करो वरना रौनक को यहाँ पे बचाने की थोड़ी सी गुंजाइश कम होते हुए, आई थिंक ओवेस को भी वहां पे नॉक कर दिया है। ओ माई गॉड, तो मेगा के प्लेयर इवन उन्होंने अभी एक फाइट कंप्लीट की थी उसके बाद उनके ऊपर सिचुएशन थोड़ी डबल हो जानी चाहिए थी, बट दे डिड अपोजिट। यहाँ पे वो फनेटिक के ऊपर सिचुएशन थोड़ी उल्टी करते हुए यहाँ पे नेट जाते हुए बिल्डिंग के अंदर रौनक को वहां पे रिवाइव कर दिया गया बाय ओबेस। सो यहाँ पे अभी सिचुएशन तो ठीक है बट जल्दी से कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेगा के प्लेयर्स बस किसी भी पल यहाँ पे क्लोज इन करने वाले हैं फनेटिक के रौनक एंड परितोष के ऊपर, और पीछे से उन्होंने ओबेस को भी रिवाइव कर दिया, तो ओबेस को यहाँ पे दोबारा नॉक कर दिया गया। दो प्लेयर्स यहाँ पे खत्म होते हुए मेगा के, परितोष यहाँ पे एक पोजीशन चेंज करते हैं और यहाँ पे दो प्लेयर्स को जो नॉकआउट हो रखे थे उनको यहाँ पे खत्म किया गया है बाय, एंड एक और प्लेयर अभी भी बचे हुए मेगा वेक्सी एंड पैराडॉक्स बाहर नॉक रखे हैं, तो पैराडॉक्स को बचाने की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है। बट यहाँ पे क्या ये जो नेड आ रहा था, क्या ये नेड खत्म करेगा वेक्सी को? वेक्सी यहाँ पे स्टेयर्स पे है और यहाँ पे प्लेयर चढ़ते हुए परितोष यहाँ पे 1v1 करने के चक्कर में यहाँ पे नॉक होते हुए, एंड यहाँ पे पीछे से रौनक आके मेगा के वेक्सी को भी खत्म करते हुए, परितोष ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं एंड सोल की टीम यहाँ पे आते हुए गाइस, सोल की टीम की यहाँ पे फाइट होते हुए, सोल की टीम को अभी नहीं पता है कि वो किस टीम के प्लेयर्स हैं, एंड मॉर्टल यहाँ पे टैप्स लेते हुए M16 के, सो फाइट इज गोइंग ऑन बट फनेटिक के प्लेयर्स एक्चुअली किस पे शॉट ले रहे हैं? ओके दे आर स्पॉटिंग टीम ब्रॉल्स, बट यहाँ पे डैमेज लिया है, थोड़ा सा कनेक्ट हुआ है बट थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा परितोष को यहाँ पे, और वहां पे सोल का क्लैश होता हुआ टीम बूम के साथ गाइस, सो ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि टीम सोल इज फाइटिंग विद टीम बूम राइट नाउ, एंड सोल सांगवान थोड़े से खतरे में आते हुए, ट्री का कवर मिला हुआ है बस उनको, सोल सांगवान ने वहां पे बूम के एक प्लेयर को नॉक किया है, एंड वहां पे उसी वक्त उन्होंने एक कवर चेंज करते हुए सोल सांगवान अपने रिमेनिंग प्लेयर्स के साथ वहां पे रीग्रुप होते हुए, एंड टीम सोल इज trying to overcome on team boom right now, एक प्लेयर को ऑलमोस्ट यहाँ पे डैमेज दे चुके हैं बट यहाँ पे mortal यहाँ पे थोड़ा सा नॉक होते हुए, mortal जल्दी से वहां पे अपने आप को एक कवर पे ले लें, सांगवान वहां पे अकेले दो प्लेयर्स के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की है बट आई थिंक सांगवान को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। वहां पे सांगवान ने वहां पे एक और प्लेयर को नॉक करते हुए, एंड आई थिंक यहां पे दोनों प्लेयर्स राइकी ऑलमोस्ट वहां पे नॉक हो रखे, इज दैट नो राइकी वर्सेस सोल सांगवान राइट नाउ, एंड वहां पे सांगवान दो प्लेयर्स को नॉक करते हुए, एंड यहां पे अपनी टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए, बूम के प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ चुकी है, आई थिंक यहां पे टीम बूम विल फॉल बैक विद टू प्लेयर्स रमोनीज एंड गॉर्डन ईस्ट वहां पे पीछे फॉल बैक करते हुए, यहाँ पे वाइपर मेक श्योर कर रहे हैं कि वो नॉकआउट वाले प्लेयर्स खत्म हो जाए, एंड दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है बट बूम के रमोनीज वहां पे दिखते हुए, वाइपर का बहुत ही प्यारा शॉट आता हुआ वहां पे, स्प्रे आता हुआ, एंड पीछे से रिगल टॉस का एक कवर शॉट आता हुआ वहां पे मेक श्योर करता है कि टीम बूम के एक और प्लेयर यहाँ पे बचे हुए, दैट इज गॉर्डन ईस्ट, और उनको यहाँ पे पूरा सामना करना पड़ेगा सोल की टीम के चारों प्लेयर्स का, सो दैट इज अ फुल स्क्वाड। लेट्स सी गॉर्डन ईस्ट यहाँ पे क्या कर पाते हैं, और यहाँ पे टीम सोल गॉर्डन ईस्ट के ऊपर चढ़ती हुई, बट उससे पहले यहाँ पे सोल रेगल टॉस ने उनको पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया, एंड अगेन यहाँ पे मॉर्टल को नॉक किया एलिमेंट की टीम ने, एलिमेंट के गब्बर ने, तो एलिमेंट की टीम के पीछे एक्चुअली जोन आ रहा है और उनको यहाँ पे निकलना है और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि मॉर्टल यहाँ पे गेम से अभी बाहर ना हो, बिकॉज स्टिल 12 टीम्स आर सर्वाइविंग राइट नाउ। सो लेट्स सी सांगवान यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि एलिमेंट के प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि किस साइड से उनको शॉट पड़ा है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, एंड फनेटिक की टीम भी थोड़ा सा नजदीक आ चुकी है, एक उस वाले एज पे आ चुकी है जहां पे एक्चुअली सोल के प्लेयर्स को एंटर करना है, सो सोल की टीम ने यहाँ पे अभी एक टीम को खत्म किया, एंड फनेटिक की टीम यहाँ पे एक एज पे आ चुकी है जिस एज से सोल की टीम को एंटर करना है, तो वी कैन सी अ फाइट बिटवीन टीम फनेटिक एंड टीम सोल, एंड यहाँ पे ऊपर गाइस टीम सोल वर्सेस टीम फनेटिक हमें किसी भी पल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टीम फनेटिक के प्लेयर्स आ चुके हैं रेगल टॉस के राइट साइड पे, परितोष आ चुके हैं रेगल टॉस को, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, आई थिंक उन्होंने यहाँ पे फुटस्टेप सुन लिया, यहाँ पे 1v1 होता हुआ परितोष को यहाँ पे नॉक कर दिया है, एंड वहां से सांगवान भी आते हुए ओवेस की तरफ से, सो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट फाइट हो रही है गाइस, आप लोग अगर देख सकते हो रेगल टॉस वहां पे ऊपर चढ़ते हुए एश के साथ 1v1 करते हुए, मॉर्टल भी पीछे से आते हुए, एंड यहाँ पे सांगवान ने एक प्लेयर को और नॉक कर दिया, फनेटिक की टीम यहाँ पे ओब्लिरेट होते हुए गाइस, यहाँ पे रौनक अकेले बचे हुए, रौनक के साथ खत्म होते हुए टीम सोल पूरी फनेटिक के ऊपर चढ़ के, एंड यहाँ पे वाइप आउट कर दिया है पूरी टीम फनेटिक को, 8 किल्स निकालते हुए यहाँ पे सोल एक एग्रेसिव स्टैंस में आते हुए और अपना पूरा
प्रदर्शन एकदम, अभी भी 9 टीम्स बची हुई है एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ टीम ब्रॉलर्स वहां पे टीम सोल है। सो लेट्स सी, बैक टू बैक दो फाइट्स देखनी है हमने बूम के साथ एंड उसके बाद यहां पे टीम फनेटिक के साथ न्यू एसटी के एक प्लेयर बचे हुए हैं। वहां पे सोल के प्लेयर अगेन वहां पे नॉक लेते हुए, टीम सोल इज नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर गाइस, दे आर continuously having fight with the teams back to back, this is their another fight जो उन्होंने अभी start कर दिया। Mortal यहाँ पे एकदम आगे बढ़ते हुए मिनी बस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। So team Soul has changed their style and they are not stopping at this point of now. 8 kills already निकाल चुके हैं, momentum इतना boost up हो चुका है कि अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, but let's see कि कैसे जाता है ये आगे का, but अभी भी हमें देखना है guys क्योंकि total 9 teams बची हुई है, MYM and OR आमने सामने है, New ST के Scott एकदम zone के पीछे हैं, Soul के players Rich का cover लेते हुए, Rich का बहुत प्यारा इस्तेमाल किया जा रहा है by team Soul एंड यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा सांगवान को, यहाँ पे ये नेड एक्चुअली किस तरफ से, और वहां पे सांगवान ने स्पॉट किया जीब्रा को और उनको नॉक कराया यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे व्हाट अ क्लीन स्पॉट, और सांगवान ने वहां पे M24 से डॉग को भी नॉक किया, तो सांगवान को ऑलरेडी पता चल चुका है कि दिस इज देयर ओल्ड टीम एंड दे नो हाउ दे प्ले। सो सांगवान ऑलरेडी एक ऐसी टीम के साथ सामना कर रहे हैं जिनके साथ वो पहले भी खेल चुके हैं और उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा उनको रीड करने के लिए, बट एक प्लेयर और है जिनको मॉर्टल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्कॉट। तो लेट्स सी क्योंकि बाद में स्कॉट उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, और यहाँ पे मॉर्टल मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके प्लेयर पूरे खत्म हो, और स्कॉट यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट ड्रॉपिंग, और वहां पे मॉर्टल ने उनको पूरा खत्म करके माना है, बट आगे थोड़ा देखना पड़ेगा। सांगवान को वहां पे नॉक कर दिया गया, वाइपर आगे जा रहे हैं, डार्क है वहां पे तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, वाइपर के हाथ में यहाँ पे स्कारल है एंड आई थिंक दिस 1v1 हैज टू बी कंप्लीटेड राइट नाउ बिकॉज एक प्लेयर और जिंदा हो गया तो वाइपर के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और आई थिंक वहां पे बॉम्बर को उन्होंने रिवाइव कर दिया है एंड यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती हुई। लेट्स सी व्हाट विल हैपन राइट नाउ गाइस, वाइपर मॉर्टल यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए, वहां पे वाइपर आ चुके हैं, वाइपर ने वहां पे नॉक किया, दोनों प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं अपने शॉट से एंड इट्स बिटवीन मॉर्टल वर्सेस डार्क राइट नाउ एंड उनके रिमेनिंग प्लेयर्स अगर आ जाते हैं जल्दी से तो। सो यहां पे आ चुके हैं, डार्क ऑलरेडी कवर ले चुके हैं, बट कितनी देर तक डार्क यहां पे रोक पाएंगे या कितना डैमेज दे पाएंगे डार्क यहां पे अपने AKM के साथ, वी हैव टू सी। मॉर्टल यहां पे आ चुके हैं, मॉर्टल गेम सेंस को यहां पे बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं और वहां पे एक और खत्म करा है, मॉर्टल के साथ फाइट होती हुई दो प्लेयर्स को आई थिंक नॉक किया गया यहां पे and this was the end of team brawlers। mortal yahan pe rukne ka naam nahi le rahe, apni team ke sath badhte hi ja rahe and this was the end of team brawlers as well। to guys booms fanatic brawlers jo bhi team soul ke samne aa raha hai they are literally going down। so team soul is on another form right now, thoda sa bach ke raho aaj kyunki team soul aapke right mein hai and aaj thode se form mein hai jo aapko dikkat de sakta hai PES khan ko। सो लेट्स सी क्या यहाँ पे सोल के प्लेयर ऊपर तक आएंगे या PES खान यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश करेंगे। सो गाइस टोटल 6 टीम्स बची हुई हैं एंड टीम सोल अपना वहां पे मूव करते हुए एंड आई थिंक सांगवान यहाँ पे रेगल्टोस ने वहां पे INS के ओरियन को नॉक करके खत्म कर दिया है एंड यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अलादीन के साथ फाइट हो रही है उनकी। सो लेट्स सी सांगवान की यहाँ पे IT प्रिंस के साथ सामना होता हुआ एंड यहाँ पे 1v1 होता हुआ, IT प्रिंस को भी बाहर कर चुके हैं सांगवान, यहाँ पे अलादीन को भी स्पॉट कर लिया एंड अलादीन को भी गेम से बाहर निकालते हुए सोल सांगवान एंड सोल रेगल्टोस का कंटिन्यूसली शॉट्स यहाँ पे, टीम एलिमेंट एंड टीम INS को भी खत्म करते हुए 3 टीम्स बची हुई है एंड यहाँ पे MYM बिलीव को भी शॉट देते हुए रेगल्टोस, बट रेगल्टोस को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, दैट वाज TG सीबो जिनके शॉट आ रहे थे, एक प्लेयर बचे हुए, इट्स 4v1 राइट नाउ गाइस, इट्स आई थिंक 3v1, एक प्लेयर खत्म हो चुके हैं सोल के, और वहां पे MYM बिलीव को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनका सामना टीम सोल के साथ हो रहा है जो आज रुकने का नाम नहीं ले रही है एंड यहां पे वाइपर अपने M4 के साथ लास्ट प्लेयर को भी खत्म करते हुए एंड दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ ईस्पोर्ट्स नेटवर्क Tier 1 स्क्रीम्स। टीम सोल टुक द चिकन डिनर विद नंबर ऑफ 18 किल्स गाइस।